गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्दी डिनर शेयर करना चाहती हूँ। कर्नाटक का मोस्ट फूड है। चलिए आप देखते देखते आप ही समझ जाओगे। ये छिलके वाला मूंग लेके मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था। अभी मैं इसे एक विजिल कुकर में डाल के पका लूंगी। और एक तरफ मैंने पालक को काट के धो के साफ करके रख दी हूँ। एक विजिल मेरे मूंग हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं तुअर दाल डाल दूंगी। अभी मैं इसे तुअर दाल को भी डाल के एक ही विजिल रखूंगी। मुझे पूरा दाल नहीं पकाना है, 50% दाल पक गया तो बस है। अब इसके अंदर मैं हल्दी और तेल डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसे कैप लगा के एक विजिल पका लूंगी। अभी वो भी एक विजिल हो गया है। मैं इसे साइड में कुकर रख दूँ हूँ। अभी हम लोग पालक और दाल को एक साथ पका लेंगे। मैं पालक को बारीक बारीक काट के रख दी हूँ। अब इसे एक डेलसी में डाल के देखिए, मैंने दाल को पूरा नहीं पकाया है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, क्योंकि दाल में भी पानी बहुत कम था ना। हमें अभी इसी पानी से इसका सांभर बनाना है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम लोग नमक डाल देंगे। इसका सब्जी बनाऊंगी और इसके पानी से सांभर बनाऊंगी। हल्दी, अभी एक तरफ सांभर के लिए हम लोग मसाला बना लेंगे। एक पैन में मैंने तेल डाल के तेल के अंदर एक बड़ा ऑनियन कट करके डाली हूँ। ये सांबर इस पेस्ट और वो दाल के पानी से ही बनेगा। प्याज को पकने के लिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम लोग उसके अंदर लहसुन डालेंगे 8 से 10 कली और एक हरी मिर्ची, 4 से 5 सूखे लाल मिर्च डालेंगे, जीरा, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अभी हम लोग इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कि अभी मैं टमाटर भी डाल चुकी हूँ। अभी हम लोग इसे अच्छे से पका लेंगे सारे को।
उधर पालक और दाल भी पक रहा है, ऑलमोस्ट पक चुका है। पालक और दाल को मैं छान के रख दी हूँ। इसे अच्छे से छान लेना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये सब्जी सूखा होता है। ये मसाला भी ऑलमोस्ट पक चुका है ऑलमोस्ट। सांभर का मसाला ठंडा हो गया है, अभी इसे मैं जार में डाल चुकी हूँ। अभी आगे के जो भी मसाले हैं इसमें डाल लेंगे हम लोग, जैसे कि हरा धनिया, नारियल, आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो देखते हुए एक लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, जो नीचे राइटिंग में लिखा होता है सब्सक्राइब उसे प्रेस करिए, वो ग्रे कलर में आ जाएगा, और उसके बाजू जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अभी मैं इसके अंदर 2 स्पून सांभर पाउडर डाल चुकी हूँ। स्वाद अनुसार नमक, अभी पालक और दाल को पका के रखा था ना, वो भी डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि सांभर को थिकनेस इससे ही बनता है। अभी इमली डाल चुके हैं मैं ऑलरेडी। हम लोग अभी इस पैन में सब्जी बना लेंगे। इसमें मैं तेल डाल चुकी हूँ, अभी राई डाल देंगे। राई फटने लगे, अभी हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। दो साबुत लाल मिर्च, प्याज डाल के अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। दो से तीन हरी मिर्ची और 8 से 10 कलियां लहसुन के डाल देंगे, बारीक कट करके। प्याज पक चुके हैं, प्याज के अंदर हम लोग जो पालक और दाल को पका के रखा था उसे डाल देंगे। फिर भी मेरा दाल कुछ ज्यादा ही पक गया है, दाल इतना भी नहीं पकना चाहिए। अगर आप लोग पहली बार ट्राई कर रहे हो तो कुकर में मत बनाइए इसे, दाल पर ही भगोने में पका लीजिए।
स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। अब ये सब्जी रेडी हो गया है, हमें इसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। अभी इसके ऊपर सांभर बना लेंगे हम लोग। सांभर के लिए एक कढ़ाई रखे, कढ़ाई के अंदर तेल डाल देंगे। अभी मैं राई डाल चुकी हूँ और हींग डाल चुकी हूँ। करी पत्ता अभी हम थोड़ा सा मसाला लेके उसे भून लेंगे, इससे सांभर में अच्छी खुशबू आती है। तेल छोड़ने लगा है। जो पालक और दाल को हम लोग पका के पानी निकाला था ना, वो पानी डाल देंगे इसके अंदर। कर्नाटक में इस सांभर को बसारू बोलते हैं। इसके कॉम्बिनेशन में वो सब्जी, ये दाल और इसके साथ रागी मुड्डी बनाते हैं। कर्नाटक में जाके किसी भी होटल में पूछिए, आपको ये मिल जाएगा। और जो मसाला ग्राइंड करके रखा था वो मसाला पूरा हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। जो मसाला किए थे उसी जार में थोड़ा पानी डाल के हम लोग सारे को मिला के पानी डाल देंगे। दाल को ज़्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अभी मैं आटे को छान के रख दी हूँ, ये रागी आटा है। दाल में उबाल आ गया है, इसे हम लोग अभी इसे एक दो मिनट रख के निकाल देंगे। इधर रागी मुद्दी बनाने के लिए हम लोग एक ग्लास आटे को डेढ़ ग्लास पानी लेना चाहिए। मैं ऑलरेडी नाप के पानी ले चुकी हूँ। उसके अंदर एक स्पून आटा लेके मिला लेंगे। ऊपर से हम लोग एक मुट्ठी भर पका हुआ चावल डाल देंगे। आटे के पानी में भी उबाल आ गया है, हम लोग इसके अंदर आटा डाल देंगे। आटे को अच्छी तरह हिलाते हुए डालना चाहिए, वरना इसके अंदर गांठें आ जाते हैं। अगर आप लोग इसके अंदर पानी बराबर डाल देंगे, एक को डेढ़ डालोगे तो
अच्छे से मुलायम और नरम बन जाएंगे, वरना पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो ये थोड़ा घट हो जाएगा। देखिए इसे अच्छे से मिलाना चाहिए। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक 2 मिनट के बाद फिर से हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पाउडर आटा रह जाता है, इसलिए अच्छे से मिला लेंगे अभी इस स्टेज पे। अच्छे से मिल गया है, देखिए ये बन चुका है। ये देखने के लिए हम लोग आटे को हाथ में लेंगे। देखिए वो हाथ को चिपकता नहीं है, ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना के देखिए, उससे भी नहीं चिपकता है हाथ को, तो वो परफेक्ट बन चुका है। देखिए मेरे हाथ को कितना भी नहीं चिपका है। इसे बना लेंगे बड़े बड़े पेड़े के जैसा बना लेंगे, एक एक को एक एक खाए जैसा। और इसका खाने का तरीका भी अलग है, इसे हम लोग चबा के नहीं खाना चाहिए, इस सांभर में डिप करके निगल लेना चाहिए। अगर आप लोग चबा के खाओगे एक पूरा दांत में चिपक जाएगा। पतिदेव उतना पसंद से नहीं खाते हैं, इसीलिए उनके लिए मैं फुलके बना रही हूँ। देखिए मेरा पूरा डिनर रेडी हो गया है अभी, आप लोग जरूर ट्राई करिए, वो स्वादिष्ट होता है। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके तो बाय, सी यू।